यस, बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये आफ्टर लॉन्ग टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने का मुझे फिर से मौका मिल रहा है, क्योंकि व्हीलचेयर का कोटा ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मिला है. 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था तब ये मौका मिला था, लेकिन वो मौका आज फिर से मिल रहा है तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. और यस, ऑफ कोर्स मुझे अपना बेस्ट देना है. पहले आपने जब से पैरालंपिक में मेडल जीता है तब से आपसे एक्सपेक्टेशन पूरे कंट्री की और बढ़ गई है, उसके आपको कैसा लगता है? प्रेशर लगता है कि परफॉर्म करना है या फिर और अच्छा लगता है कि अब लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मतलब अच्छा तो लग ही रहा है, लेकिन जैसे मैं हर बार सोचती हूँ और समझती हूँ कि मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना है, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर के बाद गेम पे वो बहुत इफेक्ट हो जाती है. तो मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, और पहले भी मतलब टोक्यो के टाइम भी दिया था और अभी भी अपना बेस्ट दूंगी. एक सवाल ये पूछना था कि अब अच्छा लग रहा है कि कॉमनवेल्थ में जैसे एशियन गेम्स में एशियन पैरा गेम्स में मेडल जीतने के बाद पैरालंपिक्स में मेडल जीतने के बाद अब कॉमनवेल्थ में भी पैरा स्पोर्ट है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा लग रहा है कि उन दोनों में मेडल जीतने के बाद अब मौका है इसमें मेडल जीतने का? यस, ऑफ कोर्स मतलब मेडल के तो चांसेस है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी मेडल दिल्ली में ये कॉमनवेल्थ गेम्स का भी एक मेडल ऐड हो जाए. और ये सेकंड टाइम मैं कॉमनवेल्थ गेम खेल रही हूँ, और मैं इसके लिए बहुत ही प्रिपरेशन की है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की है. रोजाना में 7 घंटे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. इस बार लगता है कि जैसे पैरा एथलीट जितने भी हैं वो भी वैसे ही कंट्रीब्यूट करेंगे मेडल्स टैली में जितने भी हमारे इंडिया के एथलीट्स हैं उनके तरह? हाँ, बहुत ही एक्साइटेड, और सब लोग इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कॉमनवेल्थ में पैरा में इस बार मेडल ज्यादा आएंगे कॉमनवेल्थ में. या आई एम वेरी एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट दिस कॉमनवेल्थ गेम्स. दिस इज माई फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स एज ए प्लेयर. आई एम प्रिपेरिंग फॉर लास्ट 6 to 8 मंथ्स टू गेट अ गोल्ड मेडल इन दिस कॉमनवेल्थ गेम्स.